Betty Laundry Guy, Quick Guy, Buddy Noel, na 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 na. Betty Jane Guy, Cracket, Betty Daniels Key Jacket, na 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 na. Oh, one day, magic get passes, Betty Nana and sunglasses. Which less I did in all men, man, it roya. Kabhi khud pe hasam hai, aur kabhi khud pe roya. बहुत बढ़िया. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका यंग एंड कूल में स्वागत है. वैसे युवा पीढ़ी भी कमाल है, हर जगह है युवाओं का बोलबाला, फिर चाहे इलेक्शन ही क्यों ना हो. कॉलेज का सत्र शुरू होते ही हर साल कई कॉलेजेस में इलेक्शंस कराए जाते हैं, और इन इलेक्शंस के दौरान कई जगह दोस्त बनते हैं और कई दोस्त बिछड़ जाते हैं. कहीं दिल मिलते हैं तो कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, है कि नहीं? Yes. जी हाँ. और आज का हमारा टॉपिक भी इसी से जुड़ा है, स्टूडेंट्स इलेक्शंस इन वेरियस कॉलेजेस एज वेल एज यूनिवर्सिटीज. इस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये शॉर्ट फिल्म. पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस 1997 में दोबारा शुरू हुए. एमएम पुरी हमेशा से इलेक्शंस के पक्ष में थे, और जब वो पीयू के वीसी बने तो उन्होंने फिर से इलेक्शन शुरू करने की इजाजत दे दी. स्टूडेंट्स का भी यही मानना है कि इलेक्शंस होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्शंस के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो समय आने पर उनकी आवाज बनके हायर अथॉरिटीज तक उनकी बात पहुंचाते हैं. तो ये तो बात हुई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इलेक्शंस करवाने के मेन रीजन की, और अब बात करते हैं कि इससे हट के ये किस तरह से स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है. आजकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इलेक्शंस की ही होती है, और हो भी क्यों ना, यही तो वो समय है जब स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई छोड़ के इलेक्शंस के बहाने मौज मस्ती करने का मौका मिलता है. जी हाँ, स्टूडेंट्स इन दिनों में खूब मस्ती करते हैं. कैंपेनिंग के बहाने क्लासेस बंक करना, मूवीज देखना और घूमना फिरना, और सारा दिन कॉलेज की कैंटीन में समोसे खाना, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए थोड़ी सी कैंपेनिंग भी कर लेते हैं. तो ये तो बात हुई कि स्टूडेंट्स किस तरह से इलेक्शंस के वक्त मौज मस्ती करते हैं. अब ये भी जान लेते हैं कि इन इलेक्शंस की वजह से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पंजाब यूनिवर्सिटी से 27 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शंस होते हैं तो इन कॉलेजेस में भी इलेक्शंस होंगे. तो इस वक्त कैंपेनिंग करने, शोर शराबा करने के अलावा भी कैंपस में बहुत कुछ होता है. जब इलेक्शंस हैं तो पॉलिटिकल इफेक्ट आना तो आम बात है. इन इलेक्शंस के वक्त आमतौर पर कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं. कई बार विरोधी गुटों में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो कई बार बात उससे भी आगे बढ़ जाती है. इस मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया जाता है, जगह जगह पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद कई बार पुलिस को इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं. स्टूडेंट्स को इन इलेक्शंस के वक्त कई हिदायतें भी दी जाती हैं, जिनका उन्हें पालन करना होता है, लेकिन इन हिदायतों को ताक पर रखकर पार्टीज अपने ही तरीके अपनाती हैं. इसके लिए एक उदाहरण ये ही देख लीजिए कि इलेक्शंस लड़ रही इन पार्टीज को प्रोपेगेंडा मटेरियल का इस्तेमाल नहीं करने को कहा जाता है, लेकिन इसके उलट इसका इस्तेमाल खुलेआम किया जाता है. ये इलेक्शंस 4 पदों के लिए करवाए जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी. ये तो बात हुई पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस की. अब आपको बता दें कि प्राइवेट और प्रोफेशनल कॉलेजेस में इलेक्शंस नहीं करवाए जाते, लेकिन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि पैक में भी इलेक्शंस करवाए जाएं, और अब देखना ये होगा कि क्या इनकी मांगे मानी जाती हैं या नहीं. तो ये था इलेक्शंस का ओवरव्यू. तो क्यों ना अपना सवाल जवाब का दौर शुरू किया जाए. सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछूंगा मैं कि क्या इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आप बताइए. होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए नहीं होने चाहिए, मिक्स आवाज आ रही है. इसके बारे में बातें करेंगे खूब सारी, लेकिन आपको एक और शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं. इलेक्शंस होने चाहिए, बिकॉज इफ यू आस्क मी दिस इज द टाइम, कॉलेज टाइम, यही वाली फीलिंग आती है. वी हैव फन इलेक्शन टाइम में, गेट टू नो ईच अदर, एंड इट्स फन फॉर मी बेसिकली. आजकल जो ज्यादा हाइप करके वो बेसिक जो उसका फंडा है कि इट्स शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, वो नहीं रहा. अब ज्यादा पॉलिटिकल और अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बन गया. इलेक्शन तो जरूरी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिकली होना चाहिए. जैसे मुझे हॉस्टल की इस टाइम पे एट प्रेजेंट वेरी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है हॉस्टल में, मतलब
फीस इतनी ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट्स के पास थोड़ी सी तो कुछ ना कुछ इलेक्शन होता कि स्टूडेंट्स के पास भी दे शुड हैव एटलीस्ट सम अथॉरिटी कि हाँ वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ कर सकें। नहीं होने चाहिए क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो हमें चाहिए वो कॉलेज पहले ही वो दे रहा है, बाकी हर अपना व्यू है सबका, मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। अगर हो गए इलेक्शन तो ठीक है, ये पॉलिटिक्स वगैरह बहुत बढ़ जाएगी, वायलेंस है, ये सब है, मतलब इसी में स्टूडेंट इन्वॉल्व रहेंगे, पर ये भी है कि कई ऐसी पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स के जो अथॉरिटी कॉलेज की नहीं सुनती, तो उसके लिए आई थिंक सो होने चाहिए। मेरी तरफ से नहीं होने चाहिए। जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ पर लड़ाइयाँ तो होंगी, सीधी सी बात है, कोई किसी के लिए सपोर्ट करेगा, कोई किसी के लिए करेगा, कुछ बातचीत हो जाती है। इलेक्शंस में मैंने जहाँ तक रिस्पांस देखा है नियर बाय कॉलेजेस का, तो यही है, मे बी दे आर स्पेंडिंग मच मोर टाइम इन दीज थिंग्स देन इन एजुकेशन, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं लगता मुझे। जिस मेन मोटिव से आप कॉलेज में आ रहे हो, जब आपका वो ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो आप सेकेंडरी थिंग्स में आप क्यों इतना कंसंट्रेट कर रहे हो? इलेक्शंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिंस इट ब्रिंग्स टू द नोटिस दैट व्हाट स्टूडेंट्स एक्चुअली वांट इन द कैंपस। मेरे को तो लगता है कि यूनिटी टूटती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं कि हमें सपोर्ट करो, कई हमारे फ्रेंड्स होते हैं उसमें, तो हमें उन्हें करना पड़ता है, तो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हमसे नाराज हो जाते हैं। बच्चे जड़े इन्वॉल्व होंगे अपने लेक्चर्स मिस करते हैं, अटेंडेंस शॉर्ट होंगी, उन्होंने पढ़ाई की वेस्ट, मतलब पढ़ाई का नुकसान होता है। डेमोक्रेसी तो हर एक जगह तो जरूरी है ना, तो इलेक्शन इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उस तो बिना तो फिर तानाशाही हो जाएगी, बेशक वो अथॉरिटी हो, बेशक वो देश हो। एक्चुअली होने भी चाहिए बिकॉज छुट्टियाँ मिल जाती हैं, घर जाने का टाइम मिल जाता है, सो होने चाहिए। मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी जो भी पार्टी जीत जाती है एक बारी, वो इलेक्शन टाइम तक तो है वहाँ पर, मगर उसके बाद गायब हो जाती है। तो ये था मिला जुला रिस्पांस, कई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। आप लोगों से जानते हैं, ये बताइए आप लोगों में से कितने लोग सपोर्ट करते हैं इलेक्शंस होने चाहिए? तकरीबन आधे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आधे लोग नहीं कर रहे। आपसे जानते हैं सबसे पहले, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए ने, बहुत जे यहो जे स्टूडेंट्स ने जिहड़ी अपनियां प्रॉब्लम्स लेके एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जा सकते, अपना काम आप हल नहीं करा सकते, उन्होंने चाहिए इस वास्ते इलेक्शन होने चाहिए है, क्योंकि उन्होंने एक अपना लीडर मिलता है और एक ये बहुत वड्डा प्लेटफॉर्म है कि जिन्हें अगे राजनीति जाना है उन्होंने सीखने लिए बहुत कुछ मिलता है। इस जगह पर आके स्टूडेंट लाइफ के सीखता है बड़ी चीज़ों को, फिर अगे जाता उन्होंने बहुत वड्डी स्टूडेंट लीडर मिलता है। आप बताइए, आप बोले थे होने चाहिए। बेसिकली ये जो यूनिवर्सिटी में जब आफ्टर प्लस टू और आते हैं बच्चे, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और एक छोटा सा व्यू में मिलता है। आप बोलते हो इलेक्शंस में कास्ट क्रीड ये सबसे ऊपर होने चाहिए, तो यूनिवर्सिटी में हमें ये फील मिल जाती है कि आप जो राइट कंटेस्टेंट है उसे वोट दो, ना कि मीन्स आप किसी पार्टी के नाम पे यूँ, हाँ बहुत सारी जो पार्टियां हैं उनके नाम पे ठप्पे लगा दो। इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि उससे क्या है, जो अथॉरिटीज़ के, और हर बच्चा जैसे इन्होंने बताया भी नहीं जा सकता, तो कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो ज़बरदस्ती मनवानी पड़ती हैं, जो जायज़ होती हैं, तो अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और जब लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम के लिए स्टूडेंट्स को भी एकजुट होना पड़ता है। इलेक्शन होने चाहिए बिकॉज अगर स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होंगे, स्टूडेंट अपनी काउंसिल को इलेक्ट नहीं करेंगे, तो जो अथॉरिटीज तक हमारी आवाज पहुंचनी है वो नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज स्टूडेंट काउंसिल होती है जो स्टूडेंट इलेक्ट करते हैं, वो एक लिंक होता है स्टूडेंट्स में और अथॉरिटीज में, तो इलेक्शन जरूर होने चाहिए, तभी हमें हमारे राइट मिलेंगे। वैसे भी इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शंस नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे ना पार्टीज बन जाती है कॉलेज में, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में काफ़ी सारी लड़ाई होती है, बच्चों की स्टडी को हार्म होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इलेक्शंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिकॉज इससे स्टडीज़ को हार्म होता है, वॉयलेंस बढ़ती है, ग्रुपिज़म्स होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट हर चीज़ की कैपेबल होती है, एंड इससे जो कैंपेनिंग होती है उसमें जो लाइक लीडर्स होते हैं वो काइंड ऑफ ब्राइब भी करते हैं स्टूडेंट्स को, आप हमारे लिए वोट करिए, हम आपको पार्टीज पे लेके जाएंगे, तो इससे जो स्टूडेंट्स की स्टडीज सफ़र करती हैं, ग्रुपिज़म्स होते हैं एंड वॉयलेंस बहुत बढ़ती है। आई बिलीव इलेक्शंस आर गुड, बट देयर आर सर्टेन एथिक्स जो हमें फॉलो करने चाहिए, एक सिविक सेंस होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, अगर हम उसके अकॉर्डिंग इलेक्शंस करें तो दे आर गुड। अच्छा, इट्स नॉट, इनके बात से सहमत नहीं आप? नो, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बट पार्टी पॉलिटिक्स इज बैड। इलेक्शन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट है साडा, जो अज पी यू स्टूडेंट्स हैं, जो फीसिस कम है लवली यूनिवर्सिटी और अदर प्राइवेट स्टूडेंट, वो इसी करके तो इलेक्शन होते रहे, और अथॉरिटी जो प्रशासन नाल स्टूडेंट लीडर्स आके टक्कर लेंगे नहीं, भी स्टूडेंट इतने गरीब घर का स्टूडेंट पढ़ना आता है। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो अपनी मनमर्जी तानाशाही चलेगी, आने वाले समय में जिस तरह गैदरिंग बढ़ रही है स्टूडेंटा की, इतने वधनी बंद होगी, क्योंकि जिस तरह महंगाई का दौर है, आम बच्चा भी इतने स्टडी करना होता, इलेक्शन होने चाहिए ने। जिम्मे गल किया एथिक्स का पालन करना, मैंने गल बिल्कुल सहमत हाँ, पर तो नहीं लगता कि कई जगह जिदा मैडम ने कहा कि वायलेंस बढ़ती है, ग्रुपिज्म बढ़ता है, तो वो गलत नहीं है कि
इसका मतलब इंडियन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडियन जो इलेक्शन है पार्टी है संसद है वही इलेक्शन होती है, वो भी डेमोक्रेटिक कौन सा पालन करता है चीज़ का, ठीक है। संसद के 150 तो वो लोग जो अपराधी ने क्राइम वाले लोग बैठे ने, इसका मतलब उन्होंने भी एलीगेशन है इन्होंने इलेक्शन, चाहे इंडिया स्टूडेंट इलेक्शन हो चाहे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन, फिर तो भी बैन होने चाहिए ने, वो भी गलत है। पर अक्सर देखा जाए तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वेस्टेज ऑफ टाइम है ये सारा? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ये बिल्कुल टाइम वेस्टेज है। इसमें जैसे आपने वीडियो में दिखाया है, हमने अखबार में भी पढ़ा हुआ है, गाड़ियों में स्टूडेंट्स गन रखने लग गए हैं इन सब वो इलेक्शंस के कारण, तो ये अच्छा नहीं है, ये टाइम वेस्ट है टोटल। ये वैसे भी टाइम वेस्ट है क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं जो पार्टी के मेम्बर्स होते हैं वो अपनी सपोर्ट करने के लिए बच्चों को कहते हैं कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहते हैं पार्टीज़ में लेकर जाएंगे, अब पार्टीज़ करने से तो उनकी पढ़ाई वेस्ट ही होएगी, तो ये टाइम वेस्ट ही है। मतलब इनका कहना है कि पढ़ाई वेस्ट होती है, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, इनकी बात से कौन सहमत नहीं है? देखिए जहाँ पढ़ाई की बात है वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पढ़ता कौन है, कॉलेजेस में हम लेक्चर्स नहीं लगाते, आप पढ़ने नहीं जाते यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में नहीं जाते, यूनिवर्सिटी में कौन इतना पढ़ाई को सीरियसली लेता है। तो इलेक्शंस एक हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसके लिए होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 14,000 से 15,000 करीब स्टूडेंट्स हैं, तो उन सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी, तो उनको हायर अथॉरिटीज़ तक यही जो हमारे स्टूडेंट लीडर्स हैं वही लेके जाएंगे। पर ज़्यादातर जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं भी पढ़ने जाता था कॉलेज में, आप कह रहे हैं पढ़ने नहीं जाते, वहाँ पर इलेक्शंस करने जाते हैं, आपका ये कहना है क्या? ना तो सिर्फ इलेक्शन करने जाते हैं और ना ही सिर्फ पढ़ने जाते हैं, दोनों चीज़ों के लिए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता ये वेस्टेज ऑफ टाइम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों है? उनकी बात से सहमत नहीं है? नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। और कौन नहीं उनकी बात से सहमत? आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यूनिवर्सिटी लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, हम वहाँ जाते हैं लाइफ के एक्सपीरियंस भी लेने, एंड इलेक्शन इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर हम अपने राइट्स को अच्छी तरह यूनिवर्सिटी लेवल पे पहचानेंगे तभी आगे इन फ्यूचर हम अच्छी जो सरकार है जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री में ला सकते हैं। वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड वी शुड यूज आवर राइट वेल एट द यूनिवर्सिटी लेवल सो दैट वी कैन यूटिलाइज इन द हायर लेवल ऑल्सो, दैट्स इट। तो इन सबका ये मानना है कि वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, बट कई बार ऐसा भी होता है कई बार अच्छे दोस्तों में दरार आ जाती है, होती है या नहीं होती? देखिए जो डिस्प्यूट्स होंगी आपस में वो सिर्फ पर्सनल इश्यूज के लिए होंगी, पार्टीज के लिए कभी नहीं होंगी। लड़ाइयाँ तो अगर कॉलेजेस में है, जो स्कूल में भी हम होते थे वहाँ कोई पार्टी नहीं होती थी, दोस्तों से तो तब भी लड़ाइयाँ होती थी, तो ऐसा कोई नहीं है एज सच कि पॉलिटिक्स के कारण सिर्फ लड़ाइयाँ हो रही हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट लाइक मैम सेड कि लोग पार्टीज में जाते हैं इलेक्शन वगैरह के, उससे वो उनका अपना म्यूचुअल डिसीजन होता है उस पार्टी में जाना, कोई आपको ज़बरदस्ती खींच के नहीं ले जा सकता कि हमारी इलेक्शन की पार्टी है तो आओ। तो इसमें हमें नहीं कहना चाहिए कि इलेक्शन हो रहे हैं तो पार्टी भी हो रही है, वो अपना म्यूचुअल डिसीजन है, पर हाँ इलेक्शन होने चाहिए, उसमें एक स्टूडेंट को अपने खुद के अंदर कम्युनिकेटिव स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है, एक अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, चाहे वो 10 लोगों के आगे बात कर सकता है 50 लोगों के आगे बात कर सकता है, इसलिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इनका कहना है यहाँ पर कुछ युवा पीढ़ी बैठी है जो कि स्कूल से बिलोंग करते हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए? फ्रेंड्स में फाइट होती है। फ्रेंड्स में फाइट होती है, जी हाँ, ये मुद्दा उठा था, फ्रेंड्स में फाइट होती है। प्रभु जी, इनका नाम प्रभु जी है, मैं गलत नाम तो नहीं ले रहा हूँ आपका? इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट दिस कॉलेज लाइफ बिकॉज आई एम इन प्लस वन येट, और मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ के दो वो होते हैं, वन थिंग इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव, और इस इलेक्शन के कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी हैं और नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव जैसे कि लड़ाइयाँ होती हैं एज द पीपल अराउंड सेड, और पॉजिटिव कि हाँ वी कैन गेट अ रिप्रेजेंटेटिव टू शेयर आवर प्रॉब्लम्स विद द अथॉरिटी। बहुत बढ़िया बोला, आपसे जानेंगे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? देखो जैसे इंडिया के गवर्नमेंट में होता है कि मतलब इंडिया के गवर्नमेंट में भी वायलेंस वगैरह होता है बहुत, बट फिर भी बहुत फायदेमंद है, ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी होने चाहिए। इस सवाल को इसी तरह कंक्लूड किया जा सकता है कि ज्यादातर लोग यहाँ बैठे स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि